चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का हाइगेंस उठाते हैं, थोड़ा हाइगेंस को डिफाइन करते हुए जो है आपको समझना है। वेव ऑप्टिक्स में आपका आता है व्हाट इज द हाइगेंस प्रिंसिपल। वेव ऑप्टिक्स, व्हाट इज द वेव ऑप्टिक्स? वेव ऑप्टिक्स वही चीज है जो बता रहा है कि वेव का कैसे उसका पाथ बनता है और कैसे वो जो है चलने का काम करता है। तो उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपका वेव ऑप्टिक्स में आपका आता है हाइगेंस, हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है कि हम सपोज करते हैं, देयर इज, सपोज कीजिए आपका एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पर हमने एक ऐसा पॉइंट रखा है रिफ्लेक्शन के लिए, यहाँ से कोई पॉइंट इस पे पड़ा और यहाँ से जो ये रिफ्लेक्ट हुए ट्रांसमिटेड होके यहाँ तक आ गया, ट्रांसमिटेड आर पर, ठीक है, यहाँ से। और यदि यहाँ पर हम प्लेन लगा रखे हैं, ये जो प्लेन मतलब वन साइड जो पॉलिश है, तो ये इधर ना आके ये क्या इधर डाइवर्ट हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, ये चीज़ ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर कर देते हैं, ठीक है। आप ये देख पाएंगे ये वाला इतना, और इसी क्रम को हम यहाँ पर देखें ऐसे, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा एंगल, और यहाँ पे भी आपका एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे टच करना है तो यहाँ पर आपका एंगल बनेगा, या एक हम लेते हैं सबसे बेहतर हम देखेंगे। तो इंसिडियन रे इज द आई, फिर यहाँ पे यही जो आपका ये इधर आ जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा रिफ्लेक्ट, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, आइए आपका रिफ्लेक्ट है, ये रिफ्लेक्ट है। तो जनरली आप यहाँ पर ये देखना है कि हाइगेंस ने इसी बात को बताया विद द हेल्प ऑफ द कि स्नेल ला। स्नेल क्या कहता है, व्हाट इज द स्नेल? स्नेल इज द सेइंग दैट दिस इज द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द, ठीक है, लाइट। यानी उस लाइट पे जो है किसी बॉडी का वो लाइट है, तो लाइट का क्या हो जाएगा एज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट होगा। तो आप यहाँ पे जानते हो बच्चों कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या हो गया हमारा कॉन्स्टेंट, राइट, कॉन्स्टेंट हो गया ये विद द हेल्प ऑफ द स्नेल लॉ। स्नेल लॉ, स्नेल का नियम, ठीक है, साइन आई बाई साइन। तो यहाँ पर आपको थिंकिंग ये करना है कि इस कंडीशन पे और यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे भी हम पढ़ते हैं कि साइन आई इक्वल टू साइन आर, ये इक्वल होते हैं ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये करता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ये समझना रहेगा कि भाई यहाँ पे साइन आई वे द साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जब कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर हम अलग अलग फाइंड आउट वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या परपेंडी, परपेंडी अपॉन हाइपोटेन्यूस कंपोनेंट, यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें रखा। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या परपेंडी, यहीं से ना इसके सामने वाला परपेंडी क्या हो जाएगा एंगल के सामने वाला परपेंडी हो जाता है, क्या परपेंडी हो गया। तो मैंने इसको सपोज लैम्डा सपोज किया, तो लैम्डा बाई लैम्डा वन, लैम्डा वन बाई द यहाँ पे हाइपोटेनस, ठीक है, इसके सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर या बेस, तो ये इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन, क्लियर। अब इसी सेंस में हम और यहाँ पे साइन थीटा लिखा है किसके लिए, यहाँ पे ये थीटा दिखा रहा है किसके लिए, आई के लिए। अब यहाँ पे इसके लिए ले रहे हैं आर के लिए, यहाँ पे भी पकड़ अपन हाइपोटेनस रहेगा, तो यहाँ पे पकड़ कितना हो जाएगा आपका इसके लिए, यहाँ से आर के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पपेंडी यहाँ पे लेमडा टू बाई इक्वेशन नंबर टू। तो दोनों को आप एक साथ लिख चल तो क्या देखने मिलेगा, डिवाइड कर देते हैं, इफ डिवाइडिंग वन बाई टू तो क्या देगा साइन थीटा आई, और यहाँ पे साइन थीटा थीटा क्या मतलब आर इक्वल टू लेमडा वन बाई हाइपोटेनस, लेमडा टू बाई हाइपोटेनस, तो
कैंसिल हो गया, तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू लेमडा वन बाई लेमडा टू, इक्वेशन नंबर एक नंबर आपका है राइट, ठीक है। बट इसमें कंडीशनल क्या है, कंडीशनल यह है यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट ये यंग डैश हो गया। अब यहाँ सिंपल सा आपको ये समझना पड़ेगा, भाई चलो ठीक है यदि ऐसा होता है, मैं सपोज करता हूँ ठीक है ऐसा होता है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी हम देख पाते हैं कि जैसे यहाँ पर जो साइन आई एंड साइन आर है, यहाँ से आया बी फिर यहाँ से ट्रांसमिट हो जाए बी टू हो जाएगा, तो इसके जो है दोनों के इक्वल होंगे, देयर मीन यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन आई बाय साइन आर इज द वेलोसिटी वी वन अपॉन वी टू इक्वेशन नंबर फोर। तो ये देखिए दोनों इक्वल है, लिख दीजिए तो यहाँ क्या देगा वी वन अपॉन वी टू लेमडा वन अपॉन लेमडा टू, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो है बिटवीन नंबर वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ का रेशियो होगा जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे एज वेल वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू लेमडा वन अपॉन लेमडा टू के इक्वल होगा। अब इसी भी बोल जाती है आपके न्यूमेरिकल जो आपके नीट में भी और जेई में पूछते रहता है कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो बहुत ही ये है शॉर्टकट बताया गया, आप रिपीट करते हुए एकदम धड़ाधड़ पढ़ते रहिए, जो भी समस्याएँ आ रही हैं आप पूछते रहें। ओके थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी में आपका न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि जो आपका हाइगेंस प्रिंसिपल है, हाइगेंस प्रिंसिपल में आपने इक्वेशन पढ़ा हाइगेंस प्रिंसिपल में आपने इक्वेशन पढ़ा कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, ये है ठीक है। तो यहाँ पे एंगल जो है कंडीशन बताए जाते थे कि इक्वल होते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन आपका क्या दे रखा है, दूसरा आपका आस्किंग कर रहा है कि व्हाट इज द सेकेंड वेलोसिटी, और जबकि वायल इंच पे दे रखा है 3×10⁸ मीटर/सेकेंड दे रखा है, ठीक है। और साइन यहाँ पर 30 दे रखा है, साइन 30 degrees और यहाँ पे साइन 60 degrees है, 30 to 60 और यहाँ हो गया 3×10⁸ हो गया क्लियर। तो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 10 में 1/2 ठीक है। और यहाँ पे साइन 60 का कितना होता है, 3√3/2 इक्वल टू 3×10⁸ और यहाँ पे वी टू, तो देखिए 2 से 2 कैसे वेल द 4/1 1/2 4/2 सेकेंड और फोर्थ क्या होता है कट जाता है, यहीं पर जाएगा 1/√3 इक्वल टू 3×10⁸ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना वी टू हो जाए वी टू, तो ये हो जाएगा आपका √3 बन जाए, यहाँ पर कोई नथिंग है तो वन कुछ नहीं कौन है तो 3 बन जाए 3 √3×10⁻¹ms। अब आपका ऑप्शन में इस तरह से भी मिल सकता है, ऑप्शन में इस तरह मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है वी टू इक्वल टू यहाँ पे 3 आइस क्यूब वैल्यू रख दीजिए 1.732×10⁸ तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितना आएगा इसमें 0.3×10⁸ms ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। कभी कभी इसमें वी टू सपोज कर ले रहा है तो एकदम जस्ट जो है मान लीजिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लेट करते हैं कि साइन इज 45 degrees हम सपोजिंग का पहला पे यहाँ पे आपको 45 है और दूसरा इज द यहाँ पे आपका 30 है ठीक है, और V1 इज द आस्किंग व्हाट इज द V1 स्पीड ऑफ लाइट परसेंट आपका गिविंग टू क्या हाइगेंस प्रिंसिपल में, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना
थ्री नॉर्मल इंटरेक्शन 3×10^8 आपका 8, इसकी वैल्यू कर दीजिएगा कितना 1/2, हाँ 1/2, क्लियर। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अरे फिर वी वन अपान 3×10^8 आपका 8, तो ये देखिए 4/5 क्या करते हैं 1/2 आई से रोटेट हो जाएगा 2/1, और यहाँ पे बी वन यहाँ पर जाएगा 3×10^8। तो क्या आप इसको दो बार ऐसे लिख सकते हैं √2 को, क्यों वी वन टू कैट कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा जाएगा √2, और ये बी वन आई सी का इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3×10^8 बी वन। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू बता है 3, √2 की वैल्यू आप लिख दीजिए डायरेक्ट 1.414 10^8 आपका 8, तो हो जाएगा कितना 10^3 मीटर पर सेकेंड कितना जाएगा, ठीक ये हो गया। अब इसी पे हाइगेंस प्रिंसिपल होता है, हाइगेंस प्रिंसिपल की जो इक्वेशन आता है कि जब यंग स्लिट की बातें की जाती हैं तो देयर आर यूजिंग द व्हाट इज द उसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना होता है √i1² + i2² + 2 √i1 i2 विद द cos 5, तो वहाँ पर हम निकालते हैं। तो इतना कीजिए फिर आगे बताते हैं। तो थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब करते रहते, थैंक यू। ब्लर आ रहा है।